गगहा थाना क्षेत्र में 10 मार्च को रितेश मौर्य एवं 31 मार्च को शंभू मौर्य एवं संजय पांडे की हत्या कर सनसनी फैलाने वाले 1-1 लाख के शातिर इनामी बदमाश को एसटीएफ क्राइम ब्रांच व गगहा की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान सन्नी सिंह उर्फ मृगेंद्र सिंह पुत्र उग्रसेन सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम डुमरी थाना गगहा व युवराज सिंह उर्फ राजपुत्र राकेश सिंह निवासी ग्राम गगहा थाना गगहा के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने 9 mm का एक पिस्टल, 2 मैगजीन व 6 अदद जिंदा कारतूस, 32 बोर का 2 पिस्टल व 4 मैगजीन व 13 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल, 2 सिम, 1 यूको बैंक का ATM कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 निर्वाचन कार्ड, 1 यात्री कार्ड दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का तथा 3,000 रुपए नगद बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वर्ष 2013 में रस्सी की खरीदारी के पैसे को लेकर दुर्वासा गुप्ता से विवाद हो गया था। उस विवाद के कारण ही मैंने अपने भाई टीका सिंह, सिंहासन यादव, अजय नारायण सिंह के साथ मिलकर दुर्वासा गुप्ता, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र बाबूलाल की हत्या की थी। बाकी अन्य 3 लोग घायल हुए थे। उस मुकदमे में ही वादी बाकेलाल गुप्ता से सुलह कराने के लिए मैं दबाव बना रहा था, जिसमें गगहा के ही निवासी रितेश मौर्य व शंभू मौर्य द्वारा विरोध किया जा रहा था तथा उस हत्या के मुकदमे में रितेश मौर्य व शंभू मौर्य द्वारा लगातार पैरवी की जा रही थी, जिस कारण दोनों की हत्या कर दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, एक लोग तो से पूछताछ करके आगे की क्रम बढ़ाया जाए। ये विधायक और प्रमुख, पूर्व विधायक और पूर्व प्रमुख जी, पूर्व विधायक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनका रोल जो भी है सिंहासन यादव का पकड़े जाने के बाद पता चलेगा। अच्छा, विधायक और कुछ ये इन्होंने बताया, हमारा मकसद होता है प्रगाढ़ित करना, हमारा मकसद और सबको जेल भेजते हैं और टीम को बुला लो। 6 तारीख उधर जो है, जो 18 बजे का समय है, 12:47 का है, एक आ गया कि कल ही देखो उधर, इसमें इनके खिलाफ जांच होगी, वो भी लापरवाही पुलिस की तरफ से होगी, किसी को बच्चे नहीं है, 4 की सूचना है, 4 की इनके खिलाफ कार्रवाई की है, परिवार वालों ने जो लिखा है आज। देखिए, थाना गगहा क्षेत्र में हुए रितेश मौर्य एवं शंभू मौर्य एवं उनके नौकर संजय पांडे की हत्याकांड में 1 लाख के इनामी, जो 1-1 लाख की इनामी सनी सिंह एवं राज सिंह, इन दोनों वांछित चल रहे थे। इसको पकड़ने के लिए अलग अलग टीम गठित करके प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दोपहर में गगहा क्षेत्र के जो निजी विद्यालय के पास बगीचे में घेराबंदी करके जॉइंट ऑपरेशन में ये दोनों 1-1 लाख के इनामी पकड़े गए हैं, जिसमें जिला पुलिस गोरखपुर के जो SHO गगहा सुधीर सिंह एवं उनके सहयोग में जो स्वाट टीम के जो प्रभारी सुशील एवं उनकी पूरा टीम, उन साथ साथ गोरखपुर की STF की फील्ड इकाई का इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश, ये लोग सब मिल के इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से 2 32 बोर के पिस्टल, 9 mm के 1 पिस्टल एवं अन्य जो बहुत भारी मात्रा में कारतूस एवं अन्य चीज़ें बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा कबूला गया है कि रितेश मौर्य की हत्या एवं जो शंभू मौर्य एवं उनके नौकर की हत्या इनके द्वारा किया गया है और इनके गैंग के द्वारा किया गया है, और ये सारी चीज़ें इनके द्वारा कबूल किया गया है। इनकी गिरफ्तारी में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पिस्टल एवं अन्य जो चीज़ें मिली है फोरेंसिक जांच में मिला है तो तत्काल भेजा जा रहा है, और इसमें इनके द्वारा और भी कोई अपराध में शामिल थे कि नहीं, इस संबंध में पूछताछ लगातार जारी है। देखिए, जो 2013 में इनके द्वारा 13 हत्याकांड, जैसे कि पहले भी हमने आपको कहा है कि एक परिवार के 3 सदस्यों को इनके द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है, इसमें समझौता है तो लगातार उस परिवार पे दबाव डाल रहा था। इसमें रितेश मौर्य लगातार उस परिवार को सपोर्ट कर रहा था और समझौता ना करने की राय देते हुए उनको बैकअप कर रहा था,
तो जब तक रितेश मौर्या जिंदा रहेगा तब तक ये केस में समझौता नहीं हो पाएगा, ऐसा इन अपराधियों को सोचना समझना था। इसी के चलते रितेश मौर्या के पूर्ण तरीके से प्लानिंग करके इन्होंने हत्या की। इनका बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास है। 2013 में 13 हत्याकांड के मुलजिम तो थे ही, इसका अभी भी ट्रायल चल रहा है। 2010 एवं 2007 में भी 307-308 के अपराधी इतिहास है। इसके अतिरिक्त रितेश मौर्या हत्याकांड और शंभू मौर्या एवं उनके जो नौकर के हत्याकांड में ये लोग शामिल थे। 1 लाख के इनाम तो पहले से घोषित है ही है, तो वो इनाम इनको मिलेगा। और मेरे द्वारा ये जो टीम, इसमें जो जिला पुलिस की टीम हो, SOG स्वाट टीम हो, STF की टीम को, सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है कि बहुत मेहनत करके इन लोगों ने इन तक पहुंचा और पकड़ा, रेस्क्यू किया।